हेलो, मेरा नाम है केतन और आप देख रहे हैं ऑल्ट न्यूज। दिन इतवार का और हम एक बार फिर लेकर हाजिर हैं हफ्ते भर के टॉप 5 फैक्ट चेक्स। इस वीडियो में ये फैक्ट्स भले ही सरसरी तौर पर बताए जा रहे हैं, लेकिन इन्हें पूरी डिटेल में आप पढ़ सकते हैं ऑल्ट न्यूज की वेबसाइट www.altnews.in पर जाकर, या फिर डाउनलोड कर सकते हैं ऑल्ट न्यूज की एंड्रॉइड ऐप। बिना किसी भूमिका के आपके सामने रखता हूं पहला फैक्ट चेक, जो कि जुड़ा है विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के भांजे नवीन के एक फेसबुक पोस्ट से जन्म लेने वाली हिंसा से। हिंदुस्तान टाइम्स ने एक खबर छापी जिसमें उन्होंने लिखा कि पुलिस पर 60,000 लोगों की भीड़ ने पत्थरबाजी की, और इस रिपोर्ट के जरिए ये गलत आंकड़ा कोलकाता ट्रिब्यून, स्वराज, द फ्री प्रेस जर्नल और ऑफ इंडिया की रिपोर्ट तक पहुंचा। मालूम पड़ा कि एचटी ने अपनी रिपोर्ट में 60,000 की संख्या एक चश्मदीद के हवाले से बताई। ये चश्मदीद था शरीफ नाम का शख्स, जो भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस के साथ नागरिक सुरक्षा दल में शामिल था, जबकि जो लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे उन्होंने भीड़ में शामिल लोगों की जो संख्या बताई वो 60,000 तो क्या 20-30,000 के आसपास भी नहीं थी। डेक्कन हेरल्ड के अनुसार विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने दावा किया कि 4,000 लोगों की भीड़ ने उनके घर पर हमला बोल दिया। रिपोर्ट में केजी हल्ली पुलिस स्टेशन पर 600 लोगों की भीड़ द्वारा हमले की बात भी की गई। वहीं मिरर नाउ ने मूर्ति के घर के बाहर 1500 लोगों के होने की बात रिपोर्ट की। हालांकि बाद में एचटी ने अपने रिपोर्ट में बदलाव किए, लेकिन इस आंकड़े के सच को बताना इसलिए जरूरी है कि जब एक फेसबुक पोस्ट से हिंसा भड़क सकती है तो गलत आंकड़े भी गलत परसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं, जिसका आगे चलकर किसे क्या खामियाजा भुगतना पड़े कुछ कहा नहीं जा सकता। अगला फैक्ट चेक भी इसी हिंसा से जुड़ा है, जिसे जल्दी से आपको बता देते हैं। सोशल मीडिया पर बेंगलुरु में भड़की हिंसा में ये थ्योरी दी जा रही है कि अखंड श्रीनिवास मूर्ति के भांजे नवीन ने जो विवादास्पद पोस्ट लिखा वो असल में उनका जवाब था। किस बात का जवाब? उनके धर्म के बारे में ऑनलाइन लिखी गई भद्दी बातों का जवाब। बताया जाने लगा कि किसी अदियार बशीर नाम के शख्स ने हिंदू देवताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक आपत्तिजनक पोस्ट लिखा था। इसके जवाब में नवीन ने कुछ लिखा और मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों की भावनाएं इस कदर आहत हो गईं कि वो दंगे करने पर उतर आए। ये सोशल मीडिया के पोस्ट की जवाबी कार्रवाई का दावा एकदम बकवास है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अदियार बशीर के जिस पोस्ट का स्क्रीनशॉट चलाया जा रहा है वो असल में 2 साल पुरानी यानी 16 जून 2018 का है, और उस समय भी इसको लेकर काफी हंगामा हुआ था। 153A और 505(2) के तहत उसके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ था। इन दोनों फैक्ट चेक्स को पूरे डिटेल में जानने के लिए जरूर जाएं हमारी वेबसाइट www.altnews.in पर, जहां और भी सैकड़ों फैक्ट चेक्स आपका इंतजार कर रहे हैं। तीसरा फैक्ट चेक कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के आधिकारिक फेसबुक पेज पर एक वीडियो पोस्ट किया गया। इसके जरिए नरेंद्र मोदी पर चीन से दोस्ती के आरोप लगाए गए। क्योंकि गलवान घाटी में चीनी अतिक्रमण और भारतीय सैनिकों की शहादत की यादें अभी भी ताजा हैं, चीन फिलहाल भारत का ऐसा दुश्मन बना हुआ है कि लोग अपनी मेड इन चाइना टीवी तक फोड़े दे रहे हैं। ऐसे में चीन से दोस्ती अपने आप में एक आरोप बन जाती है, लेकिन कांग्रेस ने यहां अपना ही मजाक बनवा लिया। उन्होंने इस आरोप लगाने की प्रक्रिया में मोदी के साथ जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे की तस्वीर लगा ली। अगला फैक्ट चेक है एक बार फिर कर्नाटका से, जिला चिकमंगलुरु। 13 अगस्त को SDPI यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक कथित झंडा शंकराचार्य की एक मूर्ति पर पड़ा हुआ दिखा। भाजपा के स्टेट लीडर्स ने बगैर समय व्यर्थ किए SDPI पर आरोप लगा डाले कि ये SDPI की कारस्तानी है। थाना पुलिस इस मामले में शामिल हो गया। मालूम पड़ा कि ये SDPI का झंडा नहीं बल्कि एक बैनर था जिस पर मदीना की मस्जिद छपी हुई थी। वन इंडिया कन्नड़ा ने ये तक रिपोर्ट कर दिया कि इस मामले में रफीक नाम के एक शख्स को अरेस्ट किया गया है। ऑफ इंडिया एक कदम और आगे निकल गया, उसने कह दिया कि रफीक और साहिल अरेस्ट हुए हैं, जबकि पुलिस का कहना यह है कि इसमें कोई भी धार्मिक एंगल या पॉलिटिकल एंगल है ही नहीं। एक शख्स ने श्रीनगरी जामिया मस्जिद से बैनर को बारिश से बचने के लिए उठा लिया था। 12-13 अगस्त की दरमियानी रात हो रही बारिश के वक्त वो शराब के नशे में धुत था। इसी दौरान उसने बारिश से बचने के लिए उस बैनर को ओढ़ लिया। पुलिस को दिए बयान में उसने बताया कि शराब के नशे में उसे एहसास हुआ कि ये बैनर धार्मिक है और एक संत के भगवान से जुड़ा है। उसके बयान के मुताबिक जब उसे ये एहसास हुआ तो उसने सोचा कि उसे इस बैनर को किसी भगवान को ही दे देना चाहिए, इसलिए वो गया और बैनर को शंकराचार्य की मूर्ति के पास रखाया। शराब के नशे में उसे कतई ये ख्याल नहीं रहा कि होश में रहने वाली इस दुनिया में उसके इस कारनामे को क्या क्या एंगल देकर परोसा जाएगा। आखिरी फैक्ट चेक है
कपिल मिश्रा और स्वाधीनता दिवस से जुड़ा हुआ। 14 अगस्त की रात 10:15 बजे कपिल मिश्रा ने एक फोटो ट्वीट करते हुए कहा कि लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया। जिन्हें नहीं मालूम है उनकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि लाल चौक भारत के अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का एक मशहूर चौराहा है। कपिल मिश्रा के इस ट्वीट के बाद इस तस्वीर को भाजपा के कई बड़े नामों ने शेयर किया। लाल चौक पर झंडा फहराए जाने का अपना एक इतिहास है और उसकी अपनी एक कहानी है, और एक नहीं कई कहानियां हैं। लेकिन कपिल मिश्रा समेत तमाम लोगों द्वारा ट्वीट की गई इस तस्वीर की कहानी यह है कि यह फर्जी है। असली तस्वीर खींची थी मुबस्सिर मुश्ताक ने और उस वक्त लाल चौक पर कोई तिरंगा नहीं फहराया जा रहा था। उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया कि 22 जून 2020 को उन्होंने यह तस्वीर ली थी। पत्रकार अहमर खान ने 15 अगस्त की सुबह एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें लाल चौक पर सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दे रहा था। तो ये थे इस हफ्ते के टॉप 5 फैक्ट चेक्स। इन सभी के बारे में तफसील से जानने के लिए आप ऑल्ट न्यूज़ की वेबसाइट www.altnews.in पर जा सकते हैं या फिर हमारी एंड्रॉइड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल्ट न्यूज़ पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट संस्था है और इसके कल पुरुषों को चलायमान रखने के लिए जरूरत पड़ती है फंड्स की, जिसकी पूरी जिम्मेदारी है हमारे रीडर्स और दर्शकों पर। ऑल्ट न्यूज़ की आर्थिक मदद की जा सकती है स्क्रीन पर दिख रहे इस लिंक पर जाकर www.instamujo.com/@altnews पर। इस वीडियो को देखें, समझें और अपने करीबियों के साथ शेयर कर मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ दुनिया को मजबूत बनाएं। हम फिर हाजिर होंगे और भी जरूरी फैक्ट चेक्स के साथ। मेरा नाम है केतन और आप बने रहें ऑल्ट न्यूज के साथ।